देखो सबसे पहले मैं अभी आपको ये नहीं बताने वाला कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस थिंग। सबसे पहले मैं आपको एक मजे की चीज सिखाऊंगा। भाई देखो, हमारे पास कभी भी हमारे पास एक नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हो, नंबर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स आ रहे हो, उनका सम हमें कैलकुलेट करना हो। आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं। भाई मैंने आपसे कहा अगर हमारे पास सिंपल तरीके से मुझसे कहा जाए सम फाइंड करने को, किसका, एन नेचुरल नंबर्स का, यानी कि मेरी सीरीज वन से स्टार्ट हो रही है, मेरी सीरीज वन से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स दी एन अमाउंट ऑफ नंबर। लेट सपोज यहाँ पे 20 आ गया, उससे कहा जाता है एक से लेके 20 तक के जितने भी नंबर्स हैं इनका सम निकालो। तो भाई कभी भी हमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फाइंड करना होता है तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या जनरल फॉर्मूला होता है कि जो भी आपकी एन अमाउंट होगी एन को यहाँ पे रखोगे इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, हम मैथ्स के टॉपिक के अंदर सम को एक और सिंबल से भी डिनोट करते हैं जिसमें जिसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये सिग्मा के मायने क्या होते हैं? सिग्मा के मायने सम करने के ही होते हैं। अब ये सिग्मा जो होता है ना, इसके अंदर दो तरीकों से चीजें लिखी जाती हैं। पहली चीज क्या होती है कि भाई देखो आपके जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं। देखो भाई, हम जो ये सीक्वेंस हम लोगों ने जो जनरल टर्म सीखी है या जो हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, ये कहां, किन के लिए? ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर्स का मतलब वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। तो भाई ये सिग्मा का जो फॉर्मूला है कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, इसके नीचे मैं वन डाल दूंगा। नीचे वाला जो वन होता है ये स्टार्टिंग प्लेस को इंडिकेट करता है कि भैया मेरी जो सम की सीरीज है स्टार्ट कहां से हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन। और ऊपर वाला जो नंबर यहाँ पे पुट किया जाता है ये इंडिकेट करता है कि मेरी फिनिश कहाँ होगी सीरीज। तो भाई मुझे कहाँ मेरी सीरीज फिनिश हो रही है मुझे नहीं बताया गया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि एन नंबर्स तक ये जा रही है, मुझे नहीं बताया गया कहाँ तक जा रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन नंबर्स तक। और जो सिग्मा के आगे वाली जगह होती है ब्रैकेट वाली, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सीरीज किस तरह की है। लेट सपोज ये एक सिंपल सीरीज आ रही है, यानी कि सिंपल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि नंबर्स जो सम हो रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, एन अमाउंट तक जा रहे हैं, यानी कि सिंपल सी सीरीज है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल एन लिख देंगे। ये फॉर्मूले के जरिए भी आप इस फॉर्मूले को डिनोट करवा रहे होते हो। तो भाई अभी की क्लास में, हमने आज की क्लास में सबसे पहली चीज का सीखी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि भैया 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का आपने सम लेके बताना है। अब जाहिर सी बात है मैं एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ रहा हूं बेटा, एप्टीट्यूड मैथ्स में आपका टाइम बहुत मैटर करता है। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी आईबीएस साइट पे अपियर हुए, जब आप आईबीएस साइट पे अपियर हुए तो यू मस्ट नो कि आपने बहुत प्रेशर भी फील किया होगा और आपको पसीना भी बहुत आया होगा। और टाइम मैनेजमेंट होती है बेटा एप्टीट्यूड में की रोल होती है, और मैं हूं एप्टीट्यूड टीचर तो मैं हमेशा इस बात पर बड़ा जोर देता हूँ कि एप्टीट्यूड में टाइम मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई आपको शॉर्ट ट्रिक ज्यादा आनी चाहिए। अब हाथ पे बैठ के गिनना स्टार्ट करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 20 तो आपके पूरा आधा घंटा निकल जाएगा भाई, तो हाथ पे थोड़ी गिनेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे। जब कभी सिंपल एन नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही होती है हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं कि भैया सिंपल तरीके से एन की जगह पे आ जाएगा 20। क्यों एन की जगह पे 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 तक के नंबर का सम लेना है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 20 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, सिंपल तरीके से 21 होता है। अब 21 इंटू 20 को कर दीजिए तो 21 इंटू 20 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी बात है, 20 प्लस 1 क्या हो गया, 21 इंटू 21 इंटू 20 इट्स क्वाइट ऑब्वियस इट विल बी 420 और डिवाइडेड बाय 2 का 2। सिंपल तरीके से उनको आपस में डिवाइड करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 0 का 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 210 आ जाएगा। बताइए जरा ये पहला क्वेश्चन आपको, या पहला एक चीज क्लियर होती है आपको? हाँ भाई देखो ये बहुत बेसिक है इस चैप्टर की। मैं इस चैप्टर को हमेशा इस टॉपिक से स्टार्ट इसलिए करता हूँ कि बच्चे की थोड़ी सी बेस बनाई जा सके। क्लियर है मेरा बच्चा? अभी जो हमने देखो फॉर्मूला सीखा है किस चीज का सीखा है, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, और अगर मेरे पास ये सीक्वेंस ऐसे करके गिवन है तो इस सीक्वेंस को मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं अगर सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूं? बेटा ये इंडिकेशंस आपको याद करवाना बड़े जरूरी है। अगर मैं इस सीरीज को सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, मैंने क्या बताया, नीचे क्या आता है, स्टार्टिंग डिजिट। तो इस सीरीज का स्टार्टिंग डिजिट क्या है, 1 ऑब्वियसली, और एंड कहां पे हो रही है, सीरीज 20 के ऊपर। और सीरीज है कैसी, सिंपल एन नेचुरल नंबर्स की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल एन आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यानी कि हम ये इस तरीके से भी इस सीरीज को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इस तरीके की जनरल फॉर्म के ऊपर। क्लियर है मेरा बच्चा? तो आइए चलते हैं एक और चीज के ऊपर। अगर कोई बंदा हमसे कह दे कि भैया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बताइए, यानी कि बंदा हमसे कह रहा है कि भाई अभी तुमने जो सीरीज देखी वो सिंपल नंबर्स की थी, अब मैं अगर तुमसे कह दूं कि भैया नेचुरल नंबर्स की सीरीज है मगर स्क्वायर बेस्ड है, कैसी है बेटा, स्क्वायर बेस्ड, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन टिल एन का स्क्वायर, यानी कि ये सीरीज कैसी हमारे पास आ रही है। अगेन बेटा गौर से देखिएगा, नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं 1 से स्टार्ट
स्टार्ट होने वाली सीरीज है, यानी कि वन से लेके कहां तक जा रही है, ये एन अमाउंट तक जा रही है। कोई बंदा मुझसे कहता है कि भैया देखो तुमसे मैं कहता हूं सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज, तो यानी कि वन का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, इट गोज ऑन टिल एन स्क्वायर। तो बेटा इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स। ये जनरल फॉर्मूला किस चीज के लिए, अगर मेरी सीरीज कैसी हो, स्क्वायर की फॉर्म में हो, यानी कि मुझे ऐसी सम सीरीज का सम निकालना है जो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में, देन उसके लिए हम इस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हैं। और इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखने का, डिनोट करवाने का तरीकेकार क्या है कि सिग्मा सम की सीरीज है ना, सीरीज के मायने ही सम के होते हैं, तो सम की सीरीज आ रही है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, नीचे वाली चीज क्या होती है, स्टार्टिंग वैल्यू। तो यहां पे स्टार्टिंग क्या है, अगेन वन से स्टार्ट हो रही है हमारी सीरीज, कहां तक जा रही है, एन अमाउंट तक जा रही है। जो ऊपर वाला डिजिट होता है डिनोट करता है फिनिशिंग अमाउंट को, और यहां पे जो ये वाले ब्रैकेट होते हैं, इस ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि सीक्वेंस या सीरीज किस तरह की है। तो भाई देखो ये किस तरह की सीरीज आ रही है, स्क्वायर्ड बेस आ रही है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल एन स्क्वायर लिख दूंगा मेरा बच्चा। बताइए ये बात क्लियर होती है, जल्दी से मुझे बताइए, या ये बात आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक छोटी सी, सर नीचे सिक्स क्यों है, मेरा बेटा ये फॉर्मूला है इसका, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। भाई मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसका बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस के टू ए बी प्लस के बी स्क्वायर के। अब आप मुझसे पूछे सर यहाँ पे टू क्यों आता है, ऑल्दो हम आज की क्लास के बाद तुम सबसे कह सकोगे कि हमें इस फॉर्मूले का तरीका भी आ गया, मैं आज की क्लास में ऑल्दो आपको ये बात सिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, बट अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला ओपन करता हूं तो यहां पे 2 क्या डिनोट करता है, a + b के होल स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूले का है ना, तो ये जनरल टर्म इसके फॉर्मूले की होती है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, वेरी गुड। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन टिल n का 10 का स्क्वायर, मैं कर देता हूं, क्या कर देता हूं यहां पे 10 का स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि भैया 1 से लेके 10 तक की सीरीज आ रही है नेचुरल नंबर्स की, उनके स्क्वायर का सम बताइए। अब आप परेशान हो गए, भैया अगर मैं पेपर में एप्टीट्यूड में निकालने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का, सबको बैठ के ऐड करना है। भाई सर ने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, सर ने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि सिंपल तरीके से फॉर्मूले के अंदर आप डाल दीजिए, आपका फॉर्मूले से सम का आंसर आ जाएगा। अब n क्या होता है हमारे पास लास्ट डिजिट, तो सिंपल तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, 10 * 10 + 1 * 10 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो गया 11, 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जर 6, 6 2 जर 12। क्लियर है मेरा बच्चा, तो क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 10 2 जर 20 एंड 20 इंटू 11 सिंपल तरीके से आपको आंसर दे देगा। क्लियर है भाई, 20 इंटू 11 आपको क्या आंसर दे देगा, आई गेस आपको 220 दे देगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आपको अगेन आईबीएस साइट पे या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई करो जहां पे कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको 1 से लेके 12 तक के टेबल तो लाजमी आने चाहिए मेरा बच्चा। स्टिल कोई बच्चा पैनिक करता है मेरा बच्चा, मैं हमेशा एक बात आपसे कहूंगा, आपने परेशान नहीं होना, आप अपने 12 तक के टेबल्स एटलीस्ट याद कर लो, बाकी मैथ्स बड़ी आसान हो जाएगी। 10 टू 20 हो गया, 20 टू 11 आप कर लेंगे, आपका सिमिलरली आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से, जल्दी से क्या आ गया 220। तो बेसिकली 220 की सम है किसका, 1 का, 1 से लेके 10 तक की सीरीज के स्क्वायर का, ये सम क्या आ जाएगा हमारे पास 220 आ जाएगा। और इसको डिनोट करवाने का एक और तरीका क्या जाएगा, भाई हमारी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है, और ये सीरीज है कैसी, स्क्वायर्ड बेस है, तो हमने सिंपल तरीके से इसको इस तरीके से भी डिनोट करवा देंगे। जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स रिप्लाई करें कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होता है, कोई मसला भाई। अब हमारे पास इसी तरीके से अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आ जाएं मगर क्यूब्स के, यानी कि मैं आपसे कहूं बेटा अभी जो मैं आपको चीज पढ़ाना चाह रहा हूं इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा, इसके ऊपर मैं आईबीए के पास्ट पेपर की क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पहले बता रहा हूं। अब लेट सपोज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन क्या रखा मैंने आपके सामने, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे सिंपल तरीके से कहता हूँ कि भैया अब की बारी में मैं आपसे कहता हूँ सम निकालो क्यूब्स का जो कि n नेचुरल नंबर्स की फॉर्म के अंदर हूँ, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ एक ऐसी सीरीज जो क्यूब की फॉर्म में, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड इट गोज ऑन टिल n क्यूब, यानी कि अब जो मैंने आपके सामने नेचुरल नंबर की सीरीज रखी क्यूब बेस रखी, यानी कि क्यूब बेस नेचुरल नंबर सीरीज रख दी मैंने आपके सामने, यानी कि ये आपके पास सम ऑफ द सीरीज है क्यूब की फॉर्म के अंदर कहां तक, n अमाउंट तक। तो बेटा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का या इस पर्टिकुलर सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत मजे का होता है, क्या होता है सिंपल तरीके से n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या होता है मेरा बेटा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर।
और अगर आप याद करें, चलो मैं इसको आगे चल के अभी डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए आप क्या बात अपने ज़हन में रखो कि भाई अभी हमने क्या चीज डिस्कस करी है कि अगर मेरे पास सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आ जाए तो उनके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक की बात सबको क्लियर है मेरा बच्चा? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं आपसे कहता हूँ अगेन, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भाई देखो मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ, ये सीरीज क्या है, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, और मुझे बताइए इनका सम 12 टर्म्स तक, 12 के क्यूब तक का सम बताइए। तो भाई मैंने आपके सामने एक सीरीज रख दी, ये जो सीरीज मैंने आपके सामने रखी है कैसी रखी है, 12 के क्यूब तक की। तो भाई सबसे पहले तो मैं अगर आपसे पूछूं इसको डिनोट कैसे करवाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर कैसे डिनोट करवाते हैं? भाई जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, कि जो भी हम फॉर्मुलास पढ़ने में, अगेन एक चीज बहुत क्लियरली आपको बताऊंगा बेटा, जो भी हमने जनरल फॉर्मुलास पढ़े हैं, शॉर्टकट फॉर्मुलास पढ़े हैं, इनकी सीरीज हमेशा वन से स्टार्ट होने वाली होती है, ये बात आपको अपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसी बात के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था आईबी और नसर्ट के ऊपर। अगेन अगर आप वापस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, मैंने जो आपको भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब और प्लस थ्री का क्यूब, और ये सीरीज चल रही है 12 के क्यूब तक। मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरी की पूरी सीरीज का मुझे सम बताइए। तो भाई आपकी स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, ऑब्वियसली वन है, स्टार्टिंग अमाउंट क्या वन है, और ये कहां तक जा रही है, 12 तक जा रही है, और हमें लेना क्या है, कैसी सीक्वेंस है, कैसी सीरीज है, क्यूब बेस सीरीज आ रही है, इनका सम लेना है। तो हमारे पास डिनोट करने का तरीकेकार क्या होगा, ये होगा बेटा, मैं बार बार डिनोट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये भी आपको हेल्प आउट करेगा आगे क्वेश्चंस के अंदर। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात करता हूं, भाई देखो आपको इसका सम निकालना है, सम निकालने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई कि भाई सिंपल तरीके से आप जहां एन आ रहा है वहां पे क्या रख दोगे, जो यहां तक का आपको सीरीज निकालनी है सम निकालना है। कहां तक का निकालना है मेरा बेटा, 12 तक का निकालना है। तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, सिंपल 12 इंटू 12 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 2 6 12 का 12, ऊपर क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 6 into 13 एंड देन स्क्वायर का स्क्वायर। अब 6 into 13 क्या हो जाएगा हमारे पास, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास बन जाएगा 78 एंड देन हम फाइंड कर लेंगे किसका, 78 का स्क्वायर, यानी कि 78 into 78 करके हम सिंपल तरीके से 78 का स्क्वायर कर लेंगे, वो जो बहुत सिंपल सी बात है। बेसिक मैथ्स करने के लिए मेरे ख्याल में किसी बच्चे को इशू नहीं होगा, मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट मैटर करता है, अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है वो तो बेटा एक बेसिक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी आता है, द कॉन्सेप्ट ऑलवेज मैटर। क्लियर है भाई, सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करा, सॉरी 6084 आ रहा होगा, इफ आई नॉट रॉन्ग, यस 6084 आ रहा होगा, यस। हाँ भाई हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, अब अगर मैं अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है मैं उसको जल्दी से रिपीट कर दूं, किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहे हैं, नहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई देखो हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ी है, पहली चीज क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास, हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, एन नेचुरल नंबर्स आ जाएं, अगर मेरे पास सिंपल सम की सीरीज हो जो कि वन से स्टार्ट हो रही हो टिल एन अमाउंट तक, ऐसी पर्टिकुलर सीरीज का सम निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। दूसरे नंबर पर हमने क्या चीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि भाई अगर मेरी स्टार्टिंग अमाउंट वन हो और टिल अगर मुझे एन अमाउंट तक का सम निकालना हो, मगर मेरी सीरीज कैसी हो, स्क्वायर बेस्ड हो, सीरीज कैसी हो, स्क्वायर बेस्ड हो, उस सूरत में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, सिंपल तरीके से नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 का 6 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी, तीसरे नंबर पे हमने ये वाली बात डिस्कस करी कि अगर हमारे पास क्या आ रहा हो, अगर हमारे पास सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा हो क्यूब की फॉर्म में सीरीज आ रही हो और कहां तक जा रही हो एन अमाउंट तक, ऐसी पर्टिकुलर सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर। अभी तक हम लोगों ने इस क्लास के स्टार्ट से लेके अब तक हमने सिर्फ तीन तरह के फॉर्मुलास पढ़े हैं, सिर्फ तीन तरह के फॉर्मुलास। पहला वाला फॉर्मुला कब यूज करोगे, अगर आपकी सीरीज सिंपल नंबर्स की हो, यानी कि सिंपल नंबर्स आपके वन से लेके किसी अमाउंट तक एड हो रहे हैं उसको यूज करोगे। दूसरा फॉर्मुला कब यूज करोगे, अगर आपके स्क्वायर बेस्ड नंबर्स, स्क्वायर बेस्ड नंबर वन से लेके किसी पर्टिकुलर अमाउंट तक क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो। और तीसरी वाली सीरीज का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपके कौन से नंबर्स, अगर आपके क्यूब बेस्ड सीरीज ऐड हो रही हो कहां से, वन से लेके किसी भी अमाउंट तक, आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। बेटा इन तीनों फॉर्मुलाज में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को मालूम होनी चाहिए, बेटा ये तीनों शॉर्ट ट्रिक्स, ये तीनों फॉर्मुलाज सिर्फ नेचुरल नंबर्स को अप्लाई होंगी, यानी कि ऐसी सीरीज के ऊपर जो हमेशा सिर्फ वन से स्टार्ट होगी, ऐसी सीरीज जो हमेशा वन से स्टार्ट होगी, इन सबकी स्टार्टिंग वैल्यू वन थी। अगर आपने गौर किया हो मैंने किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग वैल्यू वन के अलावा कुछ और नहीं लिखवाई। क्लियर है यहां तक की बात सबको, क्लियर होती है जल्दी से मुझे एक्नोलेज कर दें, बताएं कि आपको ये बात समझ में आती है। आइए चलते हैं जरा एक खूबसूरत क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन आईबी के सीएस साइट के ऊपर भी आ चुका है और ये क्वेश्चन नस साइट पे भी आ चुका है, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक।
जिसको हम स्टार्ट कर पढ़ाता हूं मैं। पेपर में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बड़ा मजे का था। क्वेश्चन कहता है कि भैया 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब एंड इट गोज ऑन टिल 20 का क्यूब, बताओ किसके बराबर होगा अगर इनका सम लेने को कहा जाए। आपके पास एक क्वेश्चन पेपर में आया, क्या कहता है कि 11 के से लेकर 20 तक के जो नंबर्स आ रहे हैं उनका क्यूब, उनका सम यानी कि जो नंबर्स हैं उनके क्यूब का सम बताइए किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम भी परेशान हो गए, भाई कैसे करेंगे सॉल्व, सर आपने जो फॉर्मूलास पढ़ाए थे वो तो 1 से स्टार्ट होते थे, सर यहाँ पे तो 11 का क्यूब आ रहा है, सर ये तो 9 साफ ही है, सर हमारे साथ आपने फालतू में इतनी मेहनत करी सर अभी। नहीं मेरा बच्चा, मैंने जो मेहनत करी बिल्कुल सही करी, क्यों आइए समझते हैं। बड़े मजे की चीज भाई, देखो आपके सामने जो मैंने सीरीज लिखी है, क्या सीरीज है ये, 11 से लेके 11 क्यूब से लेके कहां तक की है, 20 तक के नंबर्स इनका क्यूब और फिर उनको सम लेना है हमें, ऐसा ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर सीरीज का हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स का बोलेंगे सर ये जहां से स्टार्ट हो रही है उसको नीचे लिख दीजिए, जहां पे एंड हो रही है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जिस तरह की सीरीज है उसको यहां लिख दीजिए, यानी कि बेसिकली हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, अदर वर्ड्स है ना भाई, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाते थोड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि बेटा मैथ्स कभी भी बोरिंग नहीं है अगर आप में से किसी को लगती है, मैथ्स हमेशा मजे की चीज है अगर आप उसको मजे से पढ़ो। मैथ्स को हमेशा रियल लाइफ से कंपेयर करो भाई, मुझे बात बताओ आप सारे के सारे शॉप पे जाते हो ना कुछ खरीदने के लिए, है ना भाई, ऐसा ही है। तो आपने शॉपकीपर को फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए दिए और आपने जो चीज परचेस करनी थी वो लेट सपोज 200 रुपीज की थी, आपने जो चीज परचेस करनी थी वो कितने की थी 200 की, मगर आपने जो शॉपकीपर को पैसे दिए 500 दी, तो मुझे बताओ शॉपकीपर आपको पैसे वापस करेगा लेके भाग जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल वापस करेगा, नहीं करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, कितने वापस करेगा 300 वापस करेगा, ऐसा है ना भाई। यानी कि आपने जो टोटल अमाउंट दी उसने टोटल अमाउंट में से जो आपकी पर्टिकुलर प्राइस थी जिस भी जो भी चीज आप परचेस कर रहे थे 200 की, उसने वो पैसे काट के बाकी अमाउंट आपको वापस करनी है, उस पे फर्ज है। तो भाई ये बात बड़ी सिंपल सी है ना भाई, कि हम 500 रुपए के दुकानदार को दें, वो 200 रुपए जो उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के होंगे वो काटेगा और हमें 300 रुपए हमारे रिटर्न कर देगा, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। सर इसका इससे क्या कनेक्शन है, भाई बहुत सारा कनेक्शन है। देखो हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है, वो हमसे कह रहा है कि 11 के क्यूब से लेके जो नंबर्स हैं उनका 20 तक के नंबर्स के क्यूब का सम करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो मेरा बेटा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किस चीज का, हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला तो है 1 की सीरीज से स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन टिल किसी भी अमाउंट तक, एन तक भी आ सकता है 20 तक भी आ सकता है, और क्यूब का फॉर्मूला। हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा 1 से। तो हम यहां पे इसको कैसे अप्लाई करें, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, कि अगर मैं पहले 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के क्यूब का सम निकाल लूं, अगर मैं पहले 1 से लेके 20 तक के सीरीज जो नंबर्स आ रहे हैं इनके सम का क्यूब निकाल लूं और फिर उसमें से 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के सम को माइनस करवा दूं, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे वो अमाउंट आ जाएगी जो कि 11 से लेके 20 तक के क्यूब्स के नंबर्स का सम होगा। बताइए मेरा बेटा ये बात आपको शॉर्ट टर्म थोड़ी सी, या ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो क्लियर होता है आपके दिमाग में जाता है कि हमने क्या कहा। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 11 से लेकर 20 तक के क्यूब्स के नंबर्स का सम, ऐसा ही है भाई। तो हम अभी डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, हमारा फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्टली निकालने के लिए, हमारे पास डायरेक्टली करने के तो फॉर्मूला ही नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर किसी भी अमाउंट तक हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, मैंने कहा कि देखो एक छोटा सा मजे का खेल खेलेंगे, हम पहले 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का क्यूब और फिर उनका सम निकाल लेते हैं और जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करवा देते हैं किससे, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के क्यूब से। इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। जिस तरह आप दुकानदार को 500 रुपए देते हो और 200 रुपए काट के आपको 300 रुपए वापस करते हैं ना, तो हम सेम काम कर रहे हो, 300 रुपए वापस लेने की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं कि इस 11 से लेकर 20 तक के सम की वैल्यू निकालो ना, हमने कहा अभी निकाल लेते हैं भैया। हम क्या कर लेंगे, हम पहले 1 से लेकर 20 तक का सम निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक का निकालेंगे, दोनों को आपस में माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। बताइए बेटा ये बात क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को, हम क्या करने वाले हैं, अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यूब का मेरा बच्चा, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्यूब का, क्या फॉर्मूला भाई, जल्दी से अगर मैं यहां पे लिख दूं आपकी आसानी के लिए, क्या होता है भाई, n into n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। अभी हम लोगों ने तीनों फॉर्मूलास देख लिए, क्या फॉर्मूला है, n into n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई इस पहले जो हम 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास n क्या आ रहा होगा, 20 आ रहा होगा, लास्ट अमाउंट क्या, 1 से लेकर 20 तक का सम निकाल लें ना, तो लास्ट अमाउंट क्या होगी, 20 होगी। तो यहां से सम कैसे आ जाएगा, सिंपल तरीके से 20 into 20 plus 1, तो it will become 21 divided by 2
होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो भाई 20 इंटू 21 हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, उसको कैंसिल आउट करवा दो, ये बन जाएगा 2 10s are 20, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 21 इंटू 10 ऑब्वियसली 210, और 210 का स्क्वायर ले लेंगे। तो भाई ये सिंपल तरीके से 210 का हमारे पास स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड ऑब्वियसली 1100 ऑब्वियसली स्क्वायर ऑब्वियस क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 44100। आप इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई भी करवा दीजिए, 21 21 कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 44100। क्लियर है, ये कौन सा नंबर आया, हमारे पास 1 से लेके 20 तक के जो नंबर्स थे उनका सम आ गया। अब हम यहां पे क्या फाइंड कर लेंगे, हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का भी सम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब यहां पे हमारे पास n क्या होगा इस फॉर्मूले के लिए, ये 10 होगा। तो सिंपल तरीके से यहां पे n की जगह पे क्या पुट करवा देंगे फॉर्मूले में, 10 पुट करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा 10 into 10 plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर 2 1s are 2 2 5s are 10 तो क्या बन गया, ये बन गया 5 into 11 दैट इज 55 एंड 55 का फिर हम सिंपली स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर है भाई, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से इट विल बिकम 3025 आई एम नॉट रॉन्ग, 55 का 5 into कैरी क्या आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 3025। क्या करा हम लोगों ने सिंपल तरीके से भैया 10 प्लस 1 क्या होता है 11 होता है ना, 10 डिवाइडेड बाय 2 2 5 जा 10 हो गया, तो 5 सिंपली जाके 11 से मल्टीप्लाई होगा 55 का स्क्वायर। तो आप इन दोनों चीजों को माइनस करवा दीजिए, आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि आपको 11 से लेके 20 तक के सम की चीज फाइंड करनी थी। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स काइंडली मुझे बताइए बेटा आपको क्वेश्चन क्लियर होता है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात नहीं, क्लियर हुआ तब भी गाइड करें, क्लियर हो गया कांसेप्ट समझ में आया तब भी गाइड करिए, जल्दी से मुझे बताइए शाबाश। तमाम स्टूडेंट्स क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से मेरा बेटा तमाम स्टूडेंट। अच्छा भाई, अगर आप में से किसी को कोई मसला नहीं है तो फिर हम अगले क्वेश्चन की जाने मूव कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा, अगेन ये क्वेश्चन नस साइड पे भी आया, ये क्वेश्चन आईबीए साइड पे भी आ चुका है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली तो नहीं आया था मेरे बेटा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिया गया होता है, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि बड़ी मेहनत से मेरे लेक्चर्स प्रिपेयर होते हैं। मैं फिजिकल क्लासेस के अंदर भी नॉर्मली पीपीटी के ऊपर ही पढ़ाना पसंद करता हूं, और मैथ्स को मैं पीपीटी पे पढ़ा के बच्चों को एंजॉय करवाता हूं। क्लियर है भाई। अच्छा अब देखिएगा जरा मेरी बात, बड़े गौर सुनिएगा। एक क्वेश्चन आया पेपर में, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास एक आया पेपर के अंदर, इफ इफ 1 + 2 + 3 + 4 ……… यानी कि सिंपल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स गिवन थे, कहा गया अगर उनकी वैल्यू 45 के बराबर है, देन देन फाइंड, देन फाइंड 1 cube + 2 power cube + 3 power cube and it goes on till n cube। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन बड़ा मजे का था। कहता है कि भैया अगर तुम्हें मैं दे दूं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की वैल्यू दे दूं 45, तो बताओ अगर मैं तुम्हें उसी नेचुरल नंबर्स की सीरीज के क्यूब का सम मांगूं तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या बात कर दी इसने, इसने तो हमें एन दिया ही नहीं, जब इसने एन नहीं दिया तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये तो हमारे साथ बड़ा ज्यादती कर दी। नहीं मेरा बच्चा ज्यादती नहीं करी उसने, उसने आपको सब चीजें समझाई हुई है। कैसे, देखो आपको क्वेश्चन में जो ये चीज गिवन है ना बेटा, ये बहुत बड़ी हिंट गिवन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज का सम बराबर है किसके 45 के, तो बताओ क्यूब वाली जो सीरीज होगी इसी के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर आपने मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली सुना होगा जो इस लेक्चर में आपको देना चाह रहा था, तो आपने ये बात नोट करी होगी, मैंने लास्ट के अंदर जब तीनों फॉर्मूलास पढ़ाए उनको एक बार दोबारा भी लिखा था। मुझे नहीं मालूम कि आप में से किस किस बच्चे ने उसको नोट करा, हालांकि नोट करना चाहिए, टीचर ने दोबारा लिखा है। अगर आपने गौर किया हो तो मेरा बेटा जो सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है, जो सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड हमने जो अपने पास सम ऑफ क्यूब की सीरीज लिखी थी, किसकी लिखी थी, सम ऑफ क्यूब की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बेसिकली n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर होता है। यानी कि हमारे पास जो क्यूब वाली सीरीज होती है वो बेसिकली जो सिंपल सम वाली सीरीज होती है उसका स्क्वायर्ड होती है। क्या आपने ये बात गौर करी फॉर्मूले के अंदर कि इन दोनों में मुवासलत है कि भाई हमारे पास जो सिंपल सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाली सीरीज है वो क्या होती है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और हमारे पास जो भैया सम ऑफ क्यूब वाली सीरीज होती है वो क्या होती है। इसी अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं और इस फॉर्मूले को देखूं तो बेसिकली ये सेम फॉर्मूला बस स्क्वायर के साथ। अगेन ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम प्रूफ करते हैं डिफरेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड हायर ऑर्डर मैथ्स के ऊपर। आपको वो जिम्मेदारी नहीं है, आपको खाली फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो भाई ये फॉर्मूला कहां से आता है, हमारे पास सिंपल तरीके से इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले का स्क्वायर्ड होता है। तो अगर मुझसे एग्जामिनर ये कह रहा है
अगर मुझसे ये एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई सिंपल एन नेचुरल नंबर्स का सम मैं तुम्हें दे देता हूं, सिंपल एन नेचुरल नंबर्स के सम की वैल्यू उसने मुझे क्या दे दी, 45 दे दी, तो अगर मुझे इसका क्यूब की फॉर्म में लेकर आना है, अगर मुझे इसका क्यूब का आंसर निकालना है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो भी आंसर आ रहा होगा मैं उसका क्या कर दूंगा, मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बताइए, बात क्लियर होती है तमाम स्टूडेंट्स को? तो भाई 45 का स्क्वायर इसके बराबर होता है, बहुत ही ऑब्वियस है, 2025। तो हमारे पास सिंपल तरीके से जो एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। बताइए तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई मेरे पास अगर सिंपल एन नेचुरल नंबर्स का सम गिवन है 45, उससे कहा जाता है कि बताओ जो क्यूब होगा इसी सीरीज के अंदर, इसी सीरीज के सम का, वो किसके बराबर होगा। अब जरा थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात ये है हमारे पास कि भाई आपसे एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ये अज्यूम करता है कि हमें बेसिक बातें तो मालूम है कि भाई देखो हमारे पास जो सिंपल एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है उसका फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि भाई ये जो आंसर मुझे देगा ये किसका आंसर देगा, सम ऑफ सिंपल एन नेचुरल नंबर्स का। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो सम ऑफ क्यूब एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, किसका, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होता है, वो होता है भाई इसी फॉर्मूले का बेसिकली स्क्वायर है। यानी कि अगर वो फॉर्मूला हम देखें, हम ये नहीं कह रहे क्यों होता है कैसे होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो क्या होता है, वो इसी का बेसिकली क्या है, स्क्वायर्ड एक तरीके से। तो हमारे पास अगर ये सीरीज दे दी जाए हमें कि भाई तुम्हारा सम बराबर है 45 के, तुम्हें निकालना है क्यूब, हमें एन तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के निकाल सकें। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई आपको ये बात मालूम है कि जो सिंपल सीरीज होती है उसका जो स्क्वायर्ड होता है वो आपके पास सिंपल तरीके से फॉर्मूले का क्या होता है, क्यूब की सीरीज के बराबर होता है। तो हमने सिंपल तरीके से आंसर वाले पार्ट पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। तमाम के तमाम स्टूडेंट जल्दी से बताएं, ये बात क्लियर होती है बेटा आपको? मुझे सब स्टूडेंट से रिप्लाई, क्या कह रहे हैं आप सर, क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789। बिल्कुल मेरा बेटा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली अभी आपका बेसिक लेवल है तो हम पहले बेसिक क्वेश्चंस से मूव करना स्टार्ट करेंगे, फिर हायर लेवल क्वेश्चंस के ऊपर भी मूव करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर ऑब्वियसली बच्चे की बेस बनाई जाती है। बेटा कभी इमारत तामीर कैसे होती है, अगर आपने इमारत तामीर होते हुए कभी नहीं देखी, मैं बताता हूँ। इमारत तामीर होने से पहले जमीन को खोदा जाता है, खोदने के बाद उसके अंदर सरिया, बजरी, कंकर सब डाले जाते हैं ताकि बेस पक्की हो सके। तो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले बच्चे को बेस पक्की करो, बच्चा कंफर्टेबल हो जाए तो फिर उसका खेलना स्टार्ट कर दो। इट्स अ वेरी सिंपल रूल, क्लियर है मेरा बेटा? क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789। कहता है भाई 256 से लेके 789 तक के कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। यानी कि 256 से लेके 789 तक कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब अगर मैं इसको हाथ से गिनती करने बैठूं तब तो भैया हमारा पूरा दिन निकल जाएगा कि भाई हम पहले बार बार देखते रहे कौन से नंबर होंगे कौन से नहीं होंगे, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा और इस क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस बनाना भी हमारे लिए बहुत अजाब बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन वही घिसा पिटा क्वेश्चन है जो आपकी है इंटर की किताब में भी मौजूद है, मगर बेटा ये वो क्वेश्चन है जो कि आईबीए के अंदर बेतहाशा दफा पूछा जा चुका है, नस्ट के अंदर बेतहाशा दफा आ चुका है, एनडी के अंदर बेतहाशा दफा आ चुका है, फास्ट में बेतहाशा दफा आ चुका है, यही घिसा पिटा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 256 से लेके 789 के दरमियान जो कि किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। अब देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका जो बड़ा मासूमाना है वो तो ये है कि भाई आप 256 से लेके 789 के दरमियान का सीक्वेंस बना लो, यानी कि आप 256 के आगे से कोई नंबर पढ़ना स्टार्ट करो कि ऐसा नंबर आपको मिल जाए जो कि 7 से डिविजिबल हो। और फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज नंबर 259 होगा, लेट सपोज, तो आपको अगर पहला नंबर मिल गया कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो इसमें 7 का इजाफा कर दो, अगला नंबर भी मिल जाएगा, 264 होगा शायद, 263 आपके पास आ रहा होगा। इसी तरीके से जो लास्ट नंबर आ रहा है उससे पहले के नंबर्स पिक करना स्टार्ट करो जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फेमस है तो याद ही होता है तकरीबन, तो वो जो आपके पास नंबर होगा वो 784 होगा। मगर ये तरीकेकार मुश्किल होगा और बहुत से टीचर्स खैर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर इस तरीके से भी पढ़ाते हैं, मगर ये मुश्किल चीज है कि आप पहले सीक्वेंस बनाओ फिर आप उसके अंदर फर्स्ट टर्म देखो लास्ट टर्म देखो, मुश्किल चीज है। हम इससे आसान काम करेंगे, बड़े मजे का काम करेंगे कि भाई आपने फर्स्ट नंबर लेट सपोज देख लिया 259 है, लास्ट नंबर क्या आपके पास 784, आपको खाली फर्स्ट और लास्ट नंबर लेट सपोज पता चल गया। अब देखो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है,
कि भाई आपको हाउ मेनी नंबर्स का मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी डिविजिबल वाला ये फनकारी वाला क्वेश्चन है ना, सिंपल तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट, ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन। ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आपके जहन में आ जाएंगे। अभी कैसे आएंगे, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, सबसे बड़ा नंबर, कौन सबसे बड़ा नंबर आ रहा है मेरा बेटा, जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज 784 है जो कि सबसे बड़ा नंबर, जो कि डिविजिबल बाय 7 है, पे कौन सा 784। माइनस का लोएस्ट, लोएस्ट के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 259, 259 आ गया। इनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर 7 का टेबल चल रहा है या 7 डिविजिबल नंबर है, 7 डिविजिबल नंबर का मतलब क्या है, 7 का टेबल, तो भाई जाहिर सी बात है 7 का कॉमन डिफरेंस होगा प्लस का 1। तो 784 में से आप 259 को जरा माइनस कर दीजिए। हाँ भाई, 754 में से अगर मैं 259 को माइनस करूंगा तो क्या होगा, 525 क्या आ जाएगा, 525 डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 1। अच्छा भाई, 7 का टेबल पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास मेरा बेटा, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 49 हो गया, कितना गया, 3 कैरी गया, 35 बन गया, 7 5 35 हो गया, तो 75 आ गया, 75 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यानी कि 76 ऐसे नंबर्स हैं इस सीक्वेंस के अंदर जो कि 7 से डिविजिबल है। एक दफा दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। क्वेश्चन आपको बड़े सिंपल तरीके से कह रहा है कि भाई 256 से लेके 789 तक कितने ऐसे नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 256 से पहले आगे के उस नंबर को देखना है, पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो सकता है, ताकि जहां वहां से आप अपना सीक्वेंस स्टार्ट कर सको। भाई चेक कर लो क्या 256 7 से डिविजिबल होता है, पढ़ लीजिए टेबल आप। अगर किसी को मस्ता हो रहा था आपको कैसे मालूम था, 7 4 दर क्या हो जाएगा 28, 7 3 21, 7 3 21, 4 कैरी चला गया 46 हो जाएगा। 7 का टेबल 46 नहीं होता तो आपके पास नहीं हो सकता, 256 नंबर नहीं होता। 257 क्या होता है, आइए चेक कर लेते हैं। 7 अगेन 3 21, क्या बचा, 4 कैरी का 47 भी नहीं होता। फिर क्या बचा, 258 भी ऐसे नहीं होगा। मगर 259 जो है क्या हो जाएगा, 7 3 21 और कितना चला गया, 4 कैरी का, तो 49 7 आपके पास क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यानी कि ये पहला नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 789 से बैक के ऊपर आऊंगा और चेक करूंगा कितने ऐसे नंबर्स, कौन सा ऐसा नंबर है 7 से डिविजिबल होगा। 787 नहीं मिलेगा, 86 नहीं मिलेगा, 85 नहीं मिलेगा, 84 मिल जाएगा। तो भाई मुझे सीक्वेंस के पहला और आखिरी नंबर मिल गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 784 जो कि 7 से डिविजिबल है सीक्वेंस में, और लोएस्ट नंबर क्या है 259। तो अगर ये नंबर मुझे मिल गए तो मेरी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स वाली, और बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है ये बहुत से क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसला, कोई मसला, सबको क्लियर है बेटा, कोई मसला। तो भाई वेरी गुड, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन ये मैंने आईबी के पास पेपर साइकिल से उठाया था, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे इसका आंसर जल्दी से बताओ। हाँ भाई वेरी गुड मेरा बेटा, जिन तमाम स्टूडेंट्स का आंसर 38 आया, करेक्ट आंसर आया है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, अभी मैंने इसी क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट थोड़ी है बेटा, यही वो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना। आपने मुझसे पूछा कि पर्टिकुलर हम क्या काम करेंगे, तो भाई यही वो पर्टिकुलर चीजें जो पेपर में आपके पास आएगी। देखो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ये जरूरी थोड़ी कि आपको आता हो, आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रिवाइज करना है, पढ़ा हो आपने सब होगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास एनटीएच टर्म किसी सीक्वेंस का आ रहा है, टीएन इज इक्वल टू 5n-2, तो बताओ 8 टर्म की वैल्यू क्या है। भाई आपसे क्या कह रहा है, क्या मैंने आपको टर्म्स की वैल्यूज नहीं बताई, भाई आपको इस क्वेश्चन के अंदर जनरल टर्म की वैल्यू गिवन है 5n-2। इस क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म की वैल्यू गिवन है 5n-2, और आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बताओ T8 क्या होगा। भाई T8 का मतलब क्या है, 8 टर्म की वैल्यू। ये नीचे जो 8 आ रहा है इसका मतलब क्या है, जहां जहां क्वेश्चन में 8 आ रहा है वहां पुट करवा दीजिए जनरल टर्म के ऊपर। भाई हमने यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब T8 की वैल्यू निकाली थी, T7 की वैल्यू फाइंड करी थी, T6 की, T5 की, T4 की, T3 की, तो भाई अगर जो जनरल टर्म गिवन है उसके अंदर आप उसकी वैल्यू पुट करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, T8 इज इक्वल टू 5 का 5, n की जगह पे 8 आ गया माइनस का 2, तो 5 8 40 40 माइनस का 2, सिंपल तरीके से 38 आ गया। भाई 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात। अच्छा भाई लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ए एन इज इक्वल टू 4n² + 3n। कोई बंदा मुझसे कहता है कि भैया इसको सॉल्व करके दिखाइए जरा, तो भाई कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा। आपसे कह रहे हैं कि भाई ए एन की वैल्यू आपको मैंने दे दी 4n² + 3n, और मुझसे कहता है चलो A3 के ऊपर वैल्यू बताओ क्या होगी, या थर्ड टर्म की वैल्यू बताओ क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है,
बहुत ही बच्चों वाली बात है, अगर मुझे A3 के ऊपर आंसर निकालना है तो जहां जहां मेरे पास n की वैल्यू आ रही है वहां पे n की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जनरल टर्म मुझे ये गिवन है और सिंपल तरीके से आगे कह रहा है A3, तो A3 के मायने क्या है कि भाई जहां जहां n की वैल्यू 3 आ रही है पुट करवा दो, क्या बन जाएगा, 4 का 4 एज इट इज, अंदर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 9s are, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा भैया 4 9s are 36, 36 प्लस का 9, सिंपल तरीके से 45, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा बच्चों की तरह भाई, क्या मसले की बात है मेरा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है सर जी, बच्चों वाले तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ जाए a(n+2) = 4n+7, मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए a(n+2) आगे क्या कहता है 4n+7 कहता है, इसके अंदर क्या बताओ n की वैल्यू अगर मैं तुम्हें दे दूं n-2। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहा है मेरा बेटा कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन क्या दे दिया उसने a(n+2) = 4n+7, आगे मुझसे कहता है कि अगर n की वैल्यू n-2 है तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए, सॉल्व करने की जरा कोशिश करिएगा जब तक मैं एक बच्चे को रिप्लाई। हाँ भाई यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है a(n+2) = 4n+7, सही है ना भाई, आगे कहता है कि अगर अगर n है n-2 के बराबर तो बताओ आंसर क्या होगा, भाई बहुत ही सिंपल सी बात कर रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है मेरे नजदीक, तो बच्चों हमारे बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के अंदर। हाँ भाई कैसे करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड भाई, देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको जनरल टर्म गिवन है ये मेरा बेटा, आपको जनरल टर्म जैसे भी गिवन हो आपको इससे क्या लेना देना, आपको तो जो n की वैल्यू गिवन है आपने सिंपल n में पुट करवा देनी है भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है, आपको अगर जनरल टर्म ऐसे गिवन है a(n+2) तो आपको उससे लेना देना थोड़ी है, सिंपल तरीके से जहां जहां क्वेश्चन में n आ रहा है पुट करवा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a(n-2) + 2 इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 4 का 4, n की जगह पे क्या आ जाएगा n की वैल्यू n-2 + 7, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, ये आपके पास -2 + 2 कैंसिल आउट, तो an क्या हो जाएगा 4n-8 + 7, -8 + 7 को कैंसिल आउट करेगा तो क्या बन जाएगा 4n, n भी होगा ऑब्वियसली जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 4n, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया an = 4n-1, बताइए बेटा कोई मसले की बात, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात, क्वेश्चन इजी है क्लियर है, कोई मसला कोई मसला कोई मसला, हाँ भाई जल्दी से बताओ, वेरी गुड, तो भाई एक मैथफ्लिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि 1, 4, 7 डॉट 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 डॉट, सर ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं होगा, मेरा बेटा ब्रैकेट ही को मल्टीप्लाई करा है, 4 का n हो गया, 4n2s are 8 हो गया, तो 4n-8 हो गया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो करा है हम लोगों ने मेरा बेटा, लेफ्ट साइड, बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में क्यों करूंगा, मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई उस वक्त होता है मल्टीप्लाई का सिंबल हो हमारे पास, यहाँ पे तो n के अंदर जब n की वैल्यू डाली तो वहां पे तो बेटा प्लस का साइन है ना, ब्रैकेट तो ओपन होगा। अच्छा भाई वेरी गुड, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 1, 4, 7 डॉट 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 टिल an, और आपको 4 ऑप्शन दे दूं, पहला ऑप्शन 4n-3, दूसरा ऑप्शन 2n-1, तीसरा ऑप्शन 3n+1, चौथा ऑप्शन 3n-2, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब मुझसे मत पूछिएगा सर कैसे सॉल्व होगा, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तमाम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें। हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, भाई मैंने आपसे कहा आंसर बताने के लिए, आंसर बताने का मतलब ये कि बेटा आपने कुछ वर्किंग करनी है, खुदा रहा आपने पास पेन पेंसिल कुछ तो आपने लिखा होगा ना, कुछ तो आपने करने की कोशिश करी होगी। हसन नहीं आपका करेक्ट था बेटा, आपका करेक्ट आंसर था, वेरी गुड, बाकी सब गलत था तकरीबन। अच्छा भाई बेटा अगर आपने क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने दिया तो कोशिश तो करो सॉल्व करने की, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, कामयाबी उस शख्स के लिए है जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, तो कीड़े मकौड़े क्यों ना बनाए बट एटलीस्ट ट्राई करे, अगर आप एफर्ट से नहीं करोगे तो फायदा थोड़ी है, क्वेश्चन के फोन बाद आंसर दे देते हो, अबे थोड़ा सा कोशिश तो करो दिमाग तो लगाओ, क्यों नहीं सॉल्व होगा, मैथ्स इंसानों को ही आती है इंसान ही करते हैं भाई, तो अगर आप इंसानों का बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्वेश्चन के अंदर आपको एक सीक्वेंस गिवन है बेसिकली और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इनकी जनरल टर्म इन चारों में से कौन सी है, अबे अल्लाह के मंदो कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से देखो हमने बात पढ़ी है ना कि
अगर मेरे पास ये पहली वैल्यू, अगर मेरे पास मैं एन की जगह पे वन पुट करता हूँ, मेरे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। हम ट्राई कर सकते हैं, वी कैन जस्ट ट्राई कि लेट सपोज अगर मैं एन की जगह के ऊपर क्या पुट कर दूं, वन पुट कर दूं, मेरे पहली टर्म बन जाए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 3, 1 आ गया, वेरी गुड। अब अगर एन की जगह पे जरा 2 पुट करके चेक करो, ये 4n-3 है ना, तो उसका 2 पुट करके चेक करो तो क्या बन जाएगा, 4 2s 8, 8 में से 3 निकाला, 4 तो नहीं आता, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू 4 तो नहीं है, यानी कि ये वाले आंसर मेरा नहीं हो सकता। यानी कि सिंपल तरीके से वैल्यूज को पुट करूंगा कि मेरा कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे सही बन रहा है। अगला चेक कर लेता हूँ भाई, एन की जगह पे 1 पुट करा तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 2 2s 4, 4 माइनस का 1, यहाँ पे तो 4 है, 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब या तो ये सही आंसर है या यही सही आंसर है, अब बताओ भाई कौन सा सही होना चाहिए इसमें से। लेट सपोज 3n-2, 3n-2 हमसे क्या कह रहा है, अगर मैं एन की वैल्यू को क्या रख दूं, 1 रख दूं, अगर मैं एन की वैल्यू को 1 रखता हूं तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बन जाएगा। अगर मैं एन की वैल्यू को 2 रख देता हूं तो क्या बन जाएगा, 3 में से 2 गया, 6, 6, 3 2s 6, 6 में 2 गया, 4, वेरी गुड, 4 बन जाएगा। और अगर मैं एन की वैल्यू को 3 रखता हूं तो 3 3 इधर क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये वो ऑप्शन है जो तीनों के तीनों को करेक्ट प्रूफ कर रहा है, जो कि तीनों को तीनों को करेक्ट प्रूफ कर रहा है। और ये वाला जो ऑप्शन, इसका आंसर बताया था बेटा गलत था, 3n+1 कैसे सॉल्व होगा, जब मैं एन की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो सिंपल तरीके से 4 बन जाएगा, बेटा 1 तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, हसन आपका गलत आंसर था, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बच्चा, क्लियर है, कोई मसला, कोई मसला, अब क्वेश्चन क्लियर है सबको भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मसले मसाइल, कोई परेशानी, मेरा बेटा जब, हाँ बिल्कुल, एन की जगह पे 3 रखो ना, जब एन की जगह के ऊपर आप 3 पुट करोगे, 3 9, 9 में से 2 निकालो, तीसरी वैल्यू आएगी ना, ये तो लिखा है हम लोगों ने, और क्या लिखा है। क्लियर है, वेरी गुड, मजा आ रहा है बेटा, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मेरे वैसे चैनल के ऊपर भी तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, बट ऑब्वियसली लाइव मैच पढ़ाने का अपना मेरा मजा होता है, सो या आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि अगर आप सबको मजा आ रहा है। अच्छा मैं एक चीज जो यहाँ पे अब आपको बड़े मजे की दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ भाई, एक क्वेश्चन लिखो, अब जरा मजा हम देखते हैं, और बहुत सारे आने वाले हम लोगों को, जल्दी से शाबाश, एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, जल्दी से क्वेश्चन को लिखो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए मेरा बेटा, जल्दी से शाबाश, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, आंसर क्या होगा, वेरी गुड। कोई भी ऐसा बच्चे जिसको अभी तक ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी कह चुका हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, पेपर में भी आया, नस साइट के ऊपर, आईबीएस साइट के ऊपर एक दफा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि हाउ मेनी फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, एक दफा आईबीएस साइट या नस साइट के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150 विच आर मल्टीपल ऑफ 4, फाइंड दी सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड 150 विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो भाई इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली सम वाली बात को फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप इग्नोर भी कर दो, कोई मसले की बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन अभी क्या कहा कह रहे हैं पहले उसके ऊपर गौर करो। क्वेश्चन बड़ी बेसिक सी बात कहता है भैया, बड़ी बुनियादी बुनियादी सी बात कर रहा है, कहता है कि भाई बताओ सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50 कितने हैं। तो भाई क्या करो, सबसे पहले आप सीक्वेंस को देखो, 1 से लेके 150 के दरमियान आप कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल का मतलब कि यानी कि 4 के टेबल में आती है, ये 4 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात। अब देखो पहले मैं इस तरफ से वो पहला नंबर फाइंड करने की कोशिश करूंगा जो इधर 4 से डिविजिबल है, 4 के नंबर में आता है प्रॉपरली, तो वो क्या होगा, वो सिंपल 4 ही होगा।
और फिर मैं 150 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल हो सकता है? जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्ली 4 के अंदर आता हो हमारे पास कौन सा होगा मेरा बेटा? इट्स क्वाइट ऑब्वियस इट विल बी 148। क्या होगा मेरा बेटा? 148। सही है ना भाई? सिंपल तरीके, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ाया था भाई? ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट। क्या कहा? ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का वन। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 148। लोएस्ट नंबर क्या है? 4। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 का प्लस का वन। तो 144 में से अगर आपने क्या निकाल दिया, आपने सिंपल तरीके से अगर 4 माइनस कर दिया क्या बन जाएगा 148 में से? 144 आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्या होगी आपके पास, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 144। 144 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 इज 12, एक कैरी किया फिर आपने उसको कर दिया 6 के ऊपर प्लस का 1, क्या बन जाएगा यहां पे 36। यानी कि 144 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा? 36। 36 प्लस का 1 क्या हो गया? 37। यानी कि 37 ये वो नंबर्स हैं जो कि 1 से 150 के दरमियान लाई करते हैं एंड दे आर दी मल्टीपल ऑफ 4। सिंपल सी पहली बात तो हमने ये कर ली। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाए, क्वेश्चन अगर आपसे कहता है कि फाइंड दी सम ऑफ, अगर बात सम की कर दी जाए तब क्या करोगे बेटा? तब आप सिंपल तरीके से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हो। वो कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है कि भाई आप हम सम निकालने के लिए, ऑल्दो सम का चलो फॉर्मूला ही पढ़ लेते हैं, अगर मुझे लेट सपोज सम का सम निकालना है तो भाई सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला, और यहीं से हमारा आज की क्लास का दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है, दैट इज सम ऑफ एपी, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऑल्दो बड़ा एक फेमस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा लाजमी। सर वो कौन सा फॉर्मूला है? मेरा बेटा वो फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस का n माइनस 1 इनटू d। ये फॉर्मूला नॉर्मली सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या सम ऑफ द एपी फाइंड करने का है ना भाई? ऐसा ही है ना बात? क्लियर है? ये फॉर्मूला कौन सा सम का? ये फॉर्मूला तमाम स्टूडेंट्स हमने इंटर लेवल में पढ़ा होगा, मगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी सिखाने वाला हूँ सम का। ये फॉर्मूला बड़े मजे का है। ये क्या फॉर्मूला है सम का? सम का एक और फॉर्मूला भी होता है मेरा बेटा हमारे पास, एंड दिस फॉर्मूला इज SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टू a प्लस का l। यानी कि a मींस फर्स्ट टर्म यानी कि लोएस्ट टर्म, एंड l मींस लास्ट टर्म यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला एक और तरीके से क्या बन सकता है? n डिवाइडेड बाय 2 लोएस्ट प्लस का ग्रेटेस्ट वैल्यू। दोबारा सुन लीजिए मैंने अभी तक क्या बात करी है बेटा। मैंने आपको सम का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, बस इस क्वेश्चन के ऊपर आज की क्लास को एंड करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में छेड़ दिया था, करवाना जरूरी हो गया था, मुझ पे लाजिम हो गया था, और इस क्वेश्चन के अंदर ही सम वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो सम का टॉपिक ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, मगर मेरा बेटा सम के टॉपिक के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला तो बचपन से मालूम होगा। सर कौन सा वाला फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 प्लस का n माइनस 1 इनटू d। ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, हम एक और फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं भाई। ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l। a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। l का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म जो होती है वो लोएस्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म जो होती है वो ग्रेटेस्ट टर्म होती है भाई, इसमें कोई मसला थोड़ी है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अल्टर होके, थोड़ा सा चेंज होके, थोड़ा सा फनकारी करके ऐसा भी बन सकता है। तो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया भाई? एन डिवाइडेड बाई टू एल प्लस जी। तो अगर मेरे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, अगर मेरे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन हमसे कहा जाए कि भाई अगर मुझे एक ये चीज फाइंड करनी है SN is equal to n divided by 2, यानी कि मुझसे कहा जाए क्वेश्चन के I have to find the sum of the terms that are multiple of 4 between 1 and 150। तो भाई मेरे पास यहाँ से number of terms की values तो आ चुकी है। क्या value आई मेरा बेटा? 37। मेरे पास number of terms की क्या value आई? Simple तरीके से 37। 37 divided by 2। और हमारे पास यहाँ पे first term की value क्या है मेरा बेटा? Last term की या first term की value क्या आ रही है? Lowest term की value 4 आ रही है, और हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है? 148। फॉर्मूले को देखो भाई, अगर मुझे सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 37 कहां से आया? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि वो नंबर ऑफ टर्म जो हमने फाइंड करी थी 37। और आगे क्या कह रहे हैं? एल प्लस का जी। एल का मतलब क्या? लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म क्या थी? 4। ग्रेटेस्ट टर्म क्या थी? 148। तो 148 प्लस 4 क्या बन जाएगा? 152। 152 डिवाइड बाय 2 करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? 30। यहाँ पे तो आपका 37 का 37 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। 4 प्लस 148 क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से 152। इसको 152 कैंसिल आउट डिवाइडेड बाय 2 करवाओगे तो क्या बन जाएगा? 76। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 76,
सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स कर लीजिए मेरा बेटा। अच्छा भाई, अगर आप में से कोई बच्चा शर्मिंदा होता है स्टार्टिंग के अंदर मैथ्स करने के, वो तो बेटा मैं स्टार्टिंग में वो करके दिखा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। आपको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना है, फॉर गॉड सेक बेटा कैलकुलेटर अपने पास मत रखिएगा। मुझे नहीं पता आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, मेरा नुकसान नहीं करोगे भाई। मैं जो अपनी जिंदगी में करना चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ अचीव कर चुका हूँ, आगे भी जो करना होगा मेरा रब मुझे करवा देगा। बेटा आपने वो चीजें शायद अभी अचीव करनी है अपनी लाइफ के अंदर, आपको उसके स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस मेरा बेटा। अगर आप अपने साथ चीटिंग करोगे तो ये आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि सर को क्या पता चलेगा, मुझे बेशक पता ना चले बट आपकी नुकसान होगा। तो भाई देखो, अगर बेसिक मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। मेरी मैथ्स पे मत जाओ यार, मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरी मैथ्स हम फेवरेट रही हमेशा से, तो मेरी मैथ्स पे मत जाओ। मैं भी बहुत दफा कंफ्यूज होता हूँ, आपकी क्लासेस के अंदर बहुत दफा आप देखोगे जहां पे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मैथ्स करते करते, बहुत दफा मैं पैनिक कर जाता हूँ, बहुत दफा टेबल्स पढ़ते पढ़ते। इट्स ऑब्वियस यार, कोई मसले की बात थोड़ी है, एक नॉर्मल बात है। मैं कोई आइंस्टाइन का बच्चा थोड़ी है, मेरे अब्बा का नाम आइंस्टाइन थोड़ी है, तो मुझे बहुत अच्छी आती है कि नहीं, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ यार। तो आपने स्टार्टिंग में ये नहीं करना कि चीटिंग कर ली, नहीं, इसमें जितना टाइम लग रहा है मल्टीप्लाई कराने करवाओ भाई। फॉर एग्जाम्पल 7 6 42 2 2 4, यहाँ पे 6 3 18 19 20 21 22, सही है ना मेरा बच्चा। क्रॉस का क्रॉस 7 7 49 9 4 7 3 21 22 23 24 25, क्या बन गया मेरा बच्चा सिंपल तरीके से। इट विल बी आपके पास 2 का 2 9 2 11 का 11 और 1, 5 2 5 और 1 6, और 6 में 2 का इजाफा करूंगा तो मेरा बच्चा 8। आंसर क्या आ जाएगा? 2 8 1 2, यानी कि ये वो आंसर है कि अगर मैं सम कैलकुलेट कर लूं 1 से लेके 150 के दरमियान कितने मल्टीपल ऑफ 4s आ रहे हैं, उन तमाम के तमाम नंबर्स का सम। क्लियर है मेरा बेटा? बताइए भाई, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात, क्या क्वेश्चन सबको क्लियर होता है? जल्दी से बताइए मेरा बेटा, इस क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा जा रहा है? द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का 14n इज 51, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर डैश। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, मेरे लेक्चर्स के अंदर आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर से लिंक कर रहा होता है। क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 14 n इज 50।